वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज का वीडियो कोई व्लॉग वीडियो नहीं होने वाला है, आज का भी वीडियो एक चैलेंज वीडियो होने वाला है जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आई एट ओनली पोटैटोज फॉर 24 आवर्स। सो गाइज, अभी हो रहा है मॉर्निंग टाइम और अभी हो रहा है ब्रेकफास्ट टाइम। सो अभी भी मैं ब्रेकफास्ट में भी कोई पोटैटो ही खाऊंगी, लाइक की पोटैटो की कुछ बनाऊंगी। और ये चैलेंज मैं सिर्फ अपने घर में करने वाली हूँ, मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाऊंगी, सिंगल एक चीज़ भी नहीं खाऊंगी। जो भी मैं खाऊंगी वो घर पर बनाऊंगी पोटैटो से। और बाहर का मैं इसीलिए नहीं खा रही हूँ क्योंकि कोरोना के जो केसेस है बहुत इंक्रीज़ हो रहे हैं यूपी में, और मुझे नहीं लगता वो थोड़े से हाइजीनिक रहेंगे और नहीं, तो फिर मैं जो भी पोटैटो का बनाऊँगी ना वो मैं खाऊँगी घर पर। सो स्टार्ट करते हैं अपने इस चैलेंज को अभी से। तो अभी टाइम हो रहा है ब्रेकफास्ट का, तो चलिए चलते हैं। सो गाइज, अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। मैं ब्रेकफास्ट में खा रही हूँ छोटे छोटे फ्रेंच फ्राइज, और दो दो सॉस रखी हुई हैं मैंने। सो गाइज, मैं अच्छे से फ्रेश हो चुकी हूँ और अभी लंच टाइम तो नहीं हुआ है, अभी 11 ही बजे हैं। और मैं लंच से पहले अपने स्नैक्स का सोच रही हूँ क्योंकि मैं स्नैक्स में क्या खाऊँगी। सो मैं स्नैक्स में जो खाने वाली हूँ उसको मैं अभी सोक करके रख देती हूँ क्योंकि उसमें टाइम लगता है उसको थोड़े से फूलने में, तो वो स्नैक्स में मैं नहीं खा पाऊँगी अगर मैं उसी टाइम करूँगी। तो मैं अभी कर रही हूँ उसको, और लंच में मैं जो भी खाऊँगी वो मैं आपसे के साथ बाद में शेयर करूँगी, पहले अपने स्नैक्स का थोड़ा सा कर लेती हूँ। सो गाइज, अभी मैं अपना लंच करूँगी और लंच में मैं खाऊँगी कचौड़ी क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट में तो आलू का फ्रेंच फ्राइज खा लिए, और अभी मैं लाइक लंच करूँगी उसमें मैं खाऊँगी आलू की कचौड़ी और उनको मैं ही बनाऊँगी। सो अभी तो नहीं मन कर रहा है खाने का, बट हाँ 5-10 मिनट बाद मैं बनाऊँगी और उनको खाऊँगी। फिर मिलते हैं आपसे खाते टाइम। मैंने कचौड़ियाँ तो बना ली हैं, अब मैं इनको खाऊंगी और बस खाऊंगी, और मैं आपसे मिलती हूँ जब मैं खाऊंगी। सो गाइज, अभी हो चुका है इवनिंग टाइम, और मैंने जो साबुदाना सोक करके रखा था वो मुझे इवनिंग में खाना था, बट ऐसे नहीं खाना था, मुझे उसकी टिक्की बनानी थी।
तो अभी मैं जा रही हूँ अपने आलू को बॉईल करने के लिए और फिर उनकी टिक्की बनाऊंगी और इवनिंग टाइम में उसको एज अ स्नैक खाऊंगी और दैट्स इट। सो चलिए चलते हैं। खा रही हूँ अपनी साबुदाने और आलू की टिक्की और इनको मैं खा लेती हूँ क्योंकि मुझे सच में बहुत ज़्यादा भूख लगी है और 6:15 हो गए हैं अभी तक, तो इनको जल्दी जल्दी मैं खा लेती हूँ। डिनर के लिए मैं बहुत ज़्यादा लाइट डिनर करूँगी, सच में अभी मेरे को बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है क्योंकि इनसे मेरा पेट बहुत हद तक फुल हो चुका है और मैं डिनर बहुत ज़्यादा लाइट करूँगी और चलिए देखते हैं उसमें मैं क्या करती हूँ। सो लेट्स सी, स्टे ट्यून। सो गाइज, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, वो ये कि मैंने 6:15 बजे अपनी आलू टिक्की खाई थी और अभी तक मुझे भूख नहीं लग रही है। सीरियसली 8 बज चुके हैं, बट मैं थोड़ी देर बाद कुछ खा लूँगी, नॉर्मली आलू चाट वगैरह कुछ बना लूँगी क्योंकि मैंने 2 आलू जो मेरे बॉईल किए हुए थे ना वो मैंने रख दिए थे कि मैं रात को कुछ खा सकूँ इस वजह से, बट मुझे अभी बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है सीरियसली, और मैं यही बताना चाहती हूँ और देखते हैं कि मैं खाती हूँ कि नहीं खाती। अगर नहीं तो मैं थोड़ा सा खा लूँगी, ज़्यादा नहीं बट खा तो ज़रूर लूँगी। ओके, तो फिर आपसे मैं मिलती हूँ तभी जब मैं कुछ खाऊंगी, तब बाय। गाइस, मेरा जो स्नैक था बहुत ज़्यादा हैवी था और मुझे कुछ भी ज़्यादा खाने का मन नहीं था, मैंने जैसे कि आपको बोला था। सो मैं डिनर के लिए बहुत कम आलू चाट अपने लिए लाई हूँ और इसी को मैं आज खाने वाली हूँ एज आ डिनर। सो चलिए देख लेते हैं, खा लेते हैं इसको। सो गाइज, मैंने अपना डिनर तो अच्छे से कर लिया है और सच में मेरा पेट बिल्कुल फुल हो चुका है क्योंकि मैंने स्नैक्स भी इतना ज़्यादा हैवी किया था ना जिससे कि मेरा कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा था, बट तब भी मैंने डिनर के लिए थोड़ा सा आलू चाट बना लिया और उसको मैंने खा लिया और ये चैलेंज मेरा यहाँ पर होता है कम्प्लीट। आई होप कि आपको पसंद आया होगा ये वीडियो और मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, ब्लॉग वीडियो में। टिल देन बाय।